थैंक यू सो मच फॉर 3000 सब्सक्राइबर्स। यार मैं एक टाइम था कि 50-50 सब्सक्राइबर्स पे रुल रहा होता था और मेरे से चैनल नहीं ग्रो होता था, एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह 3000 सब्सक्राइबर्स। यार क्या बात है यार, आप लोगों ने तो प्यार ही बड़ा मेरे से। तो ये मैंने अलहदा रिकॉर्ड किया है, बाकी सारी वीडियो अलहदा है, बिकॉज यार आप लोगों का के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, एंड ये बात मैंने कहा कि स्पेशल तरीके से आपको की जाए। हाय, मेरा नाम है अमर सुहेल और मैं बनाता हूँ कार रिलेटेड कंटेंट। मेरी वीडियोस में आपको मिलेंगे कार रिव्यूज, कार प्रोडक्ट रिव्यूज, कार सेल परचेज, कार इंस्पेक्शन, कार रेस्टोरेशन और बहुत सारा ऐसा कंटेंट। गाड़ियाँ मेरे लिए एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं बल्कि एक पैशन है, एंड अगर आप रेगुलरली ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब द नाइटमेयर ऑटोज चैनल, बिकॉज यहाँ पर कॉन्टेंट खत्म नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोज। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों मौसम में गर्मा में बारे को स्वेटर श्वेटर चले गए और साथ ही मेरी हुडीज और स्वेट शर्ट्स भी। अब गर्मी के मौसम के लिए कुछ बनाएंगे मर्च शर्ट। उसके अलावा यार बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी थी, एंड मेरा ख्याल है बहुत पहले से ही कोई मैंने चैनल अपडेट वीडियो नहीं बनाई, एंड अब एट दिस पॉइंट तो मेरे रेगुलर अपलोड भी स्लो हो गए थे, कुछ रमज़ान की वजह से स्लो हो गए हैं, कुछ यार गाड़ी के कुछ काम चल रहे थे, मिड हुए हैं, वीडियोस कंप्लीट नहीं हुई तो मैं अपलोड भी नहीं कर रहा। गाड़ी आप देख सकते हैं काफ़ी गंदी हुई पड़ी है, मैं ज़रा आपको और करीब से हालत दिखाता हूँ। बोगीमैन फुल गंदा मंदा हुआ है यार, ये चेक करो यार। चाहिए तो ये है कि इसको साफ़ सुथरा करके रखूँ, लेकिन यार क्या हुआ कि बस मैं बाहर लेके निकला गाड़ी, उसके बाद इसका कवर गंदा था, मैंने कहा चलो कवर साफ करके फिर डालेंगे, तो ना कवर साफ हुआ ना गाड़ी साफ हुई, तो आज ये सिचुएशन है। करते हैं इसको साफ एक दो दिन में, इस सैटरडे इसको लेके निकलते भी हैं, बहुत देर हो गई है यार गाड़ी चलाए हुए, एंड यार चलानी चाहिए, तैयार करा लिए तो अब मेरा यही सीन है यार, मैं सारी मेहनत लगा देता हूँ गाड़ी तैयार करते हैं और जब गाड़ी रेडी हो जाती है फिर यार मेरा दिल करता है अगला प्रोजेक्ट पकड़ूं, एंड अभी भी आपके भाई का यही सीन है। मेरा दिल कर रहा है एज सून एज पॉसिबल अगला प्रोजेक्ट पकड़ा जाए एंड उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया जाए, तो अब इसको हम करने लगे हैं थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक। फ्रंट का स्प्लिटर भी अल्लाह ताला की तरफ से ही उतर गया था, एंड ये भी फ्रंट भी अपनी स्टॉक लुक के अंदर आ गई। हाँ नीचे से थोड़ा सा पेंट शेंट खराब है, वो हम करा लेंगे सही। उसके अलावा आगे से थोड़ी सी हमने ड्रॉप कर दी थी, वैसे तो प्यारी लगती है ड्रॉप, लेकिन ऑब्वियसली ड्राइविंग स्टेटिस्टिक्स और ये सारी चीजें जरा चेंज हो जाती हैं, हिसाब किताब चेंज हो जाता है, तो आगे से भी इसको इसकी नॉर्मल हाइट पे लेके आएंगे। पीछे से अब वैसे आप लोगों को तो ये बात पता थी कि यार इसका डिफ ओपन है, बट आपने दो वीडियोस में बाद में देखा है, यूओएल के ऑटो शो में देखा है, उसके बाद डॉक्टर कैमर के कार मीट पे देखा है कि हम तो फुल टाइम गाड़ी घुमा घूम रहे थे, तो मैंने कहा था यार एक सरप्राइज करके वो सीन करेंगे, लेकिन मुझे कोई इस तरह की वीडियो बनाने का चांस ही नहीं मिला, तो यार समझे आज की वीडियो ही सरप्राइज है। पिछला डिफ भी मैंने वेल्ड करा दिया था एंड बहुत डाटे वाला कराया था, इस बार मैंने ना अपनी मैकेनिक की सुनी ना किसी और की सुनी, इस दफा मैंने खुद वेल्ड कराया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वेल्डेड डिफ तो बहुत कमाल का चल रहा है, एंड आपने डोनट्स की वीडियोस देखी हैं, आपने देखा ही है गाड़ी का निज़ाम क्या बना हुआ था, तो वो तो बहुत हैवी सीन था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इसका डिफ भी दोबारा स्टॉक कर दिया जाए, क्योंकि यार वेल्डेड डिफ पे मजा बड़ा आता है ड्रिफ्ट शिफ्ट्स का, लेकिन इस गाड़ी का इंजन अभी इतना डाटा है नहीं कि मैं बहुत खींचे बगैर ड्रिफ्ट्स बर्नआउट शर्नआउट्स मारूं एक वेल्डेड डिफ पे। और वेल्डेड डिफ की वजह से एक और भी इशू है, वो ये है कि यार जो गाड़ी को चलाने का मजा आता है ना वो ओपन डिफ पे आता है, वेल्डेड डिफ पे यार गाड़ी मुड़ने का नहीं दिल करता यार गाड़ी का, खास तौर पे स्लो स्पीड टर्न्स जो हो जाए ना गाड़ी का दिल करता है यार तुम टेल ही निकालो, मैं ऐसे नहीं मुड़ उड़ रही। और एक और मैंने सुना है इशू, वैसे तो मैंने अभी तक फेस नहीं किया और मैं चारों ना ही फेस करना पड़े, मैंने 5-speed गियरबॉक्स लगवाया, बड़ा ही ओखा होके बड़ी मुश्किल से मिला, और मेरी किस्मत है कि यार मुझे 5-speed गियरबॉक्स इतना सही हालत में इंजन के साथ मिल गया, तो ये जो वेल्डेड डिफ है इसका एक लोड गियरबॉक्स के ऊपर भी आता है, तो यार ये सारी चीजें रिवर्ट करके अब, क्योंकि बोगीमैन को हमने एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट बनाया था, एक मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, तो बोगीमैन को एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट ही रहने देना चाहिए, तो इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज गाड़ी को मजीद स्टॉक स्टूक करेंगे, इसके अंदर से जो सारे शशके शुशके हैं ऊपर लिमिटर शिमिटर ये सारी चीजें ये खत्म करेंगे, एंड गाड़ी को अपनी नॉर्मल हालत में ले आएंगे, शायद एग्जॉस्ट भी इसका सादा लगा दें।
अब ये सारी बातें सुन के तो आपको लग रहा होगा कि गाड़ी को बेचने का प्लान बन रहा है, अनऑफिशियली या ऑफिशियली होगा अगर मैं चैनल पे बात डिक्लेयर कर दूंगा। लेकिन यस, वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, वंस सारी गाड़ी स्टॉक हो जाएगी, फिर द बोगीमैन वुड बी मोस्ट प्रोबेबली फॉर सेल। इस हालत में क्यों नहीं सेल कर रहा, क्योंकि इस हालत में सेल करते हुए मुझे दुख होगा। कुछ थोड़ी थोड़ी जगह से इसकी पेंट में क्रैक्स आए हैं, उस याद होगा आपको, पहले कुछ टाइम में यहाँ पर आके एक वट्टा लगा था। वैसे तो इस तरह नहीं पता चलता, बहुत हल्का सा पता चलता है, लेकिन मुझे तो पता है ना यार, जो थोड़ा थोड़ा पेंट के अंदर इम्परफेक्शंस हैं, जो थोड़े से इंजन के काम, इंजन का वैसे ऐसा तो कोई काम नहीं है, कार्बोरेटर है कि बस स्टार्टिंग सेट हो जाए, तो इस तरह के छोटे 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 जितने काम है ये सारे सेट करा के फिर दावे से बेचूंगा कि यार दिस इज वन ऑफ अ काइंड KE20 ऑफ पाकिस्तान। तो इस वजह से इस हालत में नहीं बेच रहा, मुझे दुख होगा कि यार ये नाइटमेयर ऑटोज की लेगेसी है एंड मैं क्या कंप्लीट किए बगैर ही बेच दूं। तो लेगेसी को करेंगे कंप्लीट एंड फिर इंशाल्लाह द बुगीमैन विल बी फॉर सेल। तो ये अब मजीद 1.5-2 महीने का प्रोजेक्ट है एंड यू विल बी सीइंग वीडियोस ऑन दैट एज वेल। तो ये सारी बातें तो हो गई कि यार बुगीमैन के लिए आगे क्या प्लान्स हैं क्या नहीं है। चैनल के ऊपर रेगुलर अपलोड इस वजह से नहीं हो रहे थे यार, कुछ मेरा रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट का इश्यू था, अभी आप देख रहे होंगे कैमरा क्वालिटी भी बेहतर है, साउंड क्वालिटी भी आई होप बेहतर हो रही हो, और कुछ थोड़ा सा ये सीन था कि एडिटिंग इक्विपमेंट यानी लैपटॉप भी मेरा वो भी जरा अप टू पार नहीं था। तो जैसे जैसे वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, मुझे ये सारी चीजें भी इम्प्रूव करनी पड़ रही थी, कुछ उस रोले के अंदर नहीं मैनेज हो रहा था। कंटेंट तो बहुत है सर, कंटेंट बहुत है। एक को जनाब HHO जफर साहब ने रिप्लाई कर दिया, बड़ा खूबसूरत गजन का, उसका मुलाहजा फरमाना था, उसके ऊपर एक तबसरा फरमाना था, उसके ऊपर एक पूरी वीडियो डेडिकेट होगी, क्योंकि यार मैं सोच रहा था कि HHO जफर शायद कोई काफी नॉलेजेबल बंदा होगा यार, काफी साइंटिफिकली बात को डिस्कस करेगा, अगर कोई बात करेगा तो उसके पीछे शायद रीजन बताता होगा, इस वजह से लोग इतने दीवाने हैं। लेकिन मैंने देखा इनका भी वही हिसाब है जो मंजन छंजन बेचने वाले हैं ना, कि हम लोगों को ये इस तरह बहुत सारे फायदे बता देंगे, कोई एक अदा पूरा हो जाएगा तो लोग खामोश हो जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात मैंने वाकई एक्सपेक्ट किया था ये कोई बहुत नॉलेजेबल बहुत हाई एंड बंदे होंगे, एंड एक दफा इन्होंने मेरे से हाइड्रोजन किट्स के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दी तो मेरे से शायद जवाब ही ना दिया जाए। बट ऑनेस्टली आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि मुझे यार सही तरह का अराइवल भी नहीं मिला उसके अलावा यार बहुत सारी वीडियोज हैं एंड मैंने देखा मेरे पास अब ये जो ऑडियंस रेडी हो रही है ये कार सेल परचेज वाली रेडी हो रही है, अब चैनल की डायरेक्शन फिर उसी तरफ लेके जाएंगे यार, क्योंकि व्यूज और ये सारा कुछ मैटर करता है, या फिर एक कड़वा घूंट पियेंगे, व्यूज अपने ड्रॉप होने देंगे और ऑडियंस कार रेस्टोरेशन वाली बिल्ड होने देंगे। काफी यार यूट्यूब के अंदर निटी ग्रिटीज हैं, पहले इस तरह जब बंदा वीडियोस बनानी स्टार्ट करता है तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे बंदा वीडियोस बनाता है अपने एनालिटिक्स चेक करता है चीजें सीखता है यार, यूट्यूब इज ऑल्सो अ लर्निंग कर्व, ऐसा नहीं है कि आप बस वीडियो बनाने लग जाओगे कोई एक वायरल हो जाएगी आपके पास ऑडियंस बन जाएगी। अब यार एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अगर चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, आप चाहते हो कि लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी से पहचाने, आपको रिकग्निशन मिले ना कि एक आपके काम को भी मिले, लेकिन ये ना हो कि आप अपने काम के अंदर अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं यार जो मिलियंस में हैं पाकिस्तान में एंड लोगों को उनका पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई इस तरह का अपनी पर्सनालिटी के ऊपर कोई काम नहीं किया उस चैनल पे, उन्होंने सिर्फ या वीडियोस बनाई हैं या अपने चैनल को काम के लिए यूज किया, चैनल तो बहुत पॉपुलर हो गया। एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि यार अगर आपने अपने आप को बहुत पब्लिकली कर दिया तो आपको फिर सीक्रेसी रखनी पड़ती है कि यार मैं इधर जा रहा हूं तो अभी नहीं बताना, उधर जा रहा हूं तो अभी नहीं बतानी, स्टोरी डालनी है, लेकिन इसके फिर नुकसान भी है कि जो उसके साथ बेनिफिट्स आते हैं जो आपको रिकग्निशन मिलने के साथ वो आपको नहीं मिलते। खैर बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है, अगर आपका कभी मूड बने कि यार YouTube के ऊपर भी कोई टिप्स दूं तो मैं आपको दूंगा जरूर, मेरी कोशिश होती है जितने लोगों को हेल्प आउट कर सकूं करूं। तो चैनल की कुछ ये डायरेक्शन चल रही है, गाड़ी की सीट आपको खुली हुई नजर आ रही होगी, गाड़ी के भी यार काम शाम चल रहे हैं एंड छोटे 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 बहुत सारे काम है अभी गाड़ी के अंदर जो कम्प्लीट होने एंड कम्प्लीट करने भी। हमने पिछले दिनों चैनल के ऊपर हमने एक सर्विस लॉन्च की थी जी, कार सेल परचेज के अंदर आपको हेल्प आउट करेंगे, कार सेल वाला तो सीन इजी है, वीडियो बना के चैनल पे डाल दी, उसके कोई बायर्स आ गए तो फिर मैं आ गया कार परचेजिंग की तरफ।
एंड ये वाला जो डिसीजन था ना, ये मेरे लिए काफी आजमाइश वाला बना, क्योंकि यार एक थोड़ा सा ये सीन है, रमजान है एंड पहले तो होता है कि फर्ज करो आपने कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप सिर्फ एक बंदे से रब्ता करते हो, जाते हो, गाड़ी देखते हो, डन करते हो डील। अब ये कि आपने अपने क्लाइंट के साथ भी रब्ते में रहना है कि यार मैंने ये गाड़ी देखी है, मुझे पसंद आई है, आप पसंद करें, तो तीन तीन बंदों का टाइम आपस में लिंक होना है एंड उस चक्कर के अंदर बहुत खज्जल हो जाता है बंदा। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने एवरेज टाइम सीखा है, अगर कोई डील टू गुड टू बी ट्रू है ना, टू गुड टू बी ट्रू का मतलब कि यार आपको नॉर्मली वो चीज 5 लाख की मिलनी थी लेकिन ये बंदा आपको 3 लाख में दे रहा है और चीज भी वही है एग्जैक्ट 5 लाख वाली, तो ये टू गुड टू बी ट्रू है, ये इतना अच्छा है कि शायद सच ना हो एंड अक्सर औकात ये सच होता भी नहीं है। तो कभी भी टू गुड टू बी ट्रू वाली डील्स की तरफ ना जाएं, रीजनेबल डील्स की तरफ जाएं यार। 5.5 लाख, चलो 5 लाख की चीज आपको 4.5 लाख, 4.5 लाख में मिल रही है, ये बात समझ आती है, लेकिन अपने आप को किसी धोखे के अंदर ना डालिएगा। कभी भी आपके साथ ये नहीं होने लगा कि आपको बहुत ही फायदा हो जाएगा, अगले बंदे ने भी अपनी जिंदगी गुजारी होती है, उसे भी पता होता है यार अगर मैं ये डील कर रहा हूँ मेरी चीज की क्या वैल्यू है। लोग इस तरह नहीं अपनी कोई चीज बेच देते, भाई पाकिस्तान में तो आपको पता है स्क्रैप भी बिकता है, तो कोई यानी गाड़ी होगी, इवन कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज होगी, कोई इस तरह नहीं बेचेगा आपको कि यार मैं बहुत कम पैसों पे बेच दूं बस बिक जाए, ऐसे नहीं होता। हर किसी का दिल कहता है कि मुझे मैक्सिमम पैसे मिले, बल्कि जितने मैंने लगाए उससे ज्यादा ही मिल जाए, तो टू गुड टू बी ट्रू वाली डील से आप बचे। ये बात मैंने अपनी लाइफ टाइम में भी सीखी एंड मैं आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ कि अगर कभी मेरे थ्रू कोई कार आप परचेस करने लगे तो टू गुड टू बी ट्रू वाले सीन्स मैं नहीं करूंगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, मैंने कहा थोड़ा सा चैनल का डिस्कस किया जाए, डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ यार, कुछ मैंने भी अपनी ऑब्वियसली जिंदगी के अंदर करना है। ये तो हो नहीं सकता कि यार सिर्फ वीडियोज बनाई जाए, रोजी वगैरह देखनी है, घर शहर चलना है, तो इस चक्कर में थोड़ी सी यार वीडियोज आगे पीछे हो जाती है, आप टेंशन ना लिया करें, रेगुलर कंटेंट मेरी कोशिश होती है कि डालता रहूं, कभी कभी यार फ्लो टूट जाता है लेकिन कोशिश ये होगी कि यार कभी एक वीक से ज्यादा डिले ना करें वीडियोस। ये था थोड़ा सा चैनल अपडेट, थोड़ा सा मेरा लाइफ अपडेट कि यार ये चल रहा है ये नहीं चल रहा जिंदगी में। तो विद ऑल दैट सेड, अगर तो आज की वीडियो पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप। मुझे पता है आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग नहीं थी, तो अगर तो आप चैनल पे नए हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि पहले जाके दूसरा कंटेंट देख, मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत मजेदार कंटेंट बनाता हूँ एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दैट। तो विद ऑल दैट सेड आज की वीडियो करते हैं खत्म, थैंक यू फॉर वॉचिंग नाइटमेयर ऑटोज एंड कमेंट्स में बताओ यार अगर आपको कोई स्पेसिफिक तरह की वीडियो चाहिए, आइडियाज दो यार मुझे ताकि मैं आपके लिए जाके फिर वीडियोज बनाऊं, तो ऐसा कंटेंट बनाऊं जो आपको पसंद है, तो कमेंट्स में जाके मुझे ज्यादा सारे आइडियाज दें आज आप। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, हेलो हाफिज़।